चलिए, अभी की क्लास में मैं आपको अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, उसे आप सुनिए भैया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वाई वेरिएबल का नाम डज नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। आपने अगर इससे पहले सी भी पढ़ी होगी तो सी के टीचर ने आपको ये जरूर बताया होगा कि वेरिएबल के नाम में डिजिट तो हो सकता है, वेरिएबल के नाम में डिजिट तो हो सकता है, बट कभी भी वेरिएबल का नाम जो है, कभी भी वेरिएबल का जो नाम है वो डिजिट से शुरुआत नहीं हो सकती उसकी। क्यों नहीं हो सकती, उसका रीजन आपको मैं अभी यहां पे बता रहा हूं। तो उसका आपको बेसिक सा नॉलेज जरूर होना चाहिए कि व्हाई वेरिएबल नेम डज नॉट स्टार्ट विद नंबर्स। तो अल्टीमेटली कंपाइलेशन तो होता ही है प्रोग्राम का, अल्टीमेटली प्रोग्राम का क्या होता है बेटा, कंपाइलेशन तो होता ही है। तो कंपाइलेशन के 7 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं? 7। द कंपाइलर हैज दी 7 फेज एज फॉलोज। जैसे नंबर 1 लेक्सिकल एनालिसिस, नंबर 2 सिंटेक्स एनालिसिस, नंबर 3 इज द सिमेंटिक एनालिसिस, नंबर 4 इज द इंटरमीडिएट कोड जेनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जेनरेशन और सिंबल टेबल। इनमें से मैं सिंपल पहले वाले में इंटरेस्टेड हूं, जिसे हम लोग क्या कहते होंगे बेटा, लेक्सिकल एनालिसिस। इसे आपको बस याद रखना है। तो यहां पर मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा आपको, दो ट्रैकिंग होती है बेटा, एक होती है बैक ट्रैकिंग और एक होती है फॉरवर्ड ट्रैकिंग। तो जावा के कंपाइलेशन में या कोई भी कंपाइलेशन होता है उसमें बैक ट्रैकिंग नहीं होती है। एक बार अगर कंपाइलेशन प्रोसेस में आप आगे बढ़ गए तो पीछे नहीं आ सकते थे। तो यहां पर ये बता रहा है कि बैक ट्रैकिंग इज अवॉइडेड इन द लेक्सिकल एनालिसिस फेज व्हाइल कंपाइलिंग द पीस ऑफ द कोड। द वेरिएबल लाइक नेम, कंपाइलर विल नो इट्स आइडेंटिफायर राइट अवे व्हेन इट मीट्स द लेटर एन करेक्टर इन द लेक्सिकल एनालिसिस फेज। जैसे ही उसकी शुरुआत एन से होती है वो समझ लेता होगा ये तो वेरिएबल का नाम है, ये तो वेरिएबल का क्या है, नाम है। हाउएवर अ वेरिएबल लाइक 123 नेम, देखो यहां पे कहानी में ट्विस्ट होगा, कंपाइलर विल नॉट बी एबल टू डिसाइड इफ इट इज अ नंबर और द आइडेंटिफायर अंटिल इट हिट्स एन एंड इट नीड्स अ बैक ट्रैकिंग टू गो इन द लेक्सिकल एनालिसिस फेज टू आइडेंटिफाई दैट इट इज अ वेरिएबल। तो हाउएवर अ वेरिएबल लाइक 123 नेम, कंपाइलर विल नॉट बी एबल टू डिसाइड if it is a number or identifier until it hits n and it needs a backtracking to go in the lexical analysis phase to identify that it is a variable। jab bhai compiler ne dekha 123 usse to ye value lagi hogi na but jaise hi 123 ke baad jab uska interaction n se hua hoga, jaise hi uska interaction kisse hua hoga beta, n se hua hoga, तुरंत बिलीव मी, फिर उसे अब पीछे कैसे जाए वो भाई, ये कह रहा है कंपाइलर विल नॉट बी एबल टू डिसाइड इफ इट इज अ नंबर और एनी अंटिल इट हिट्स एन एंड इट नीड्स अ बैक ट्रैकिंग टू गो इन द लेक्सिकल एनालिसिस फेज टू आइडेंटिफाई दैट इट इज अ वेरिएबल। बट बैक ट्रैकिंग इज नॉट सपोर्टेड इन व्हाट कंपाइलर, वो पहले से तो कंफ्यूज हो गया ना, it needs backtracking to go in the lexical phase to identify that it is a variable। पीछे जाना पड़ेगा 123 तक, तो उसने इसे value ही समझा होगा ना, but जैसे ही n आया तो उसे लगा हो यार ये तो कोई variable का नाम भी हो सकता है। तो आप ये समझो कि n के बाद वो पीछे न लौट कर आ पा रहा है, इसीलिए एक नियम बना दिया कि variable का नाम cannot start with a what digit, digit बीच में होता कोई प्रॉब्लम नहीं होती, शुरुआत में तो लेटर ही होता ना फिर उसमें। तो आपको सिंपल क्या आंसर देना होगा कि अगर कोई मुझसे ये क्वेश्चन करे
कि why variable name does not start with the digit, तो आपको क्या आंसर देना चाहिए. Actually, compiler has the 7 phases in the process of compilation. In those 7 phases, the first phase name is lexical analysis phase. कौन सा phase होता है? Lexical analysis phase होता है. और उसके अंदर back tracking नहीं होती है. अगर name लिखेंगे तो from the first letter ही उसको ये पता होगा कि it is an identifier. बट अगर मैं आपसे कहूं 123 नेम, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या होगा? 123 नेम अगर हम बोलते हैं, तो ऐसे केस में 123 तक तो उसे वो वैल्यू समझ रहा होगा, बट जैसे ही उसका एनकाउंटर सामना एन से होता होगा तो पीछे फिर जा नहीं पाता होगा, और उससे पहले वो उसे वैल्यू समझ चुका है. तो ये कुछ छोटी छोटी बातें आपको इसमें समझनी थी. सो अभी की इस क्लास में आपको क्या समझ में आया कि why variable का नाम does not start with the word digits.